अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम ना करने लगे हैं हमारे जीआईटी सर्जरी में हमारा जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में से अगला टॉपिक विच इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपकी जिस तरह पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ते थे तो अल्सरेटिव और क्रोहन्स डिजीज ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहां भी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपने इनकी जाहिर सी बात है यहां पर पैथोलॉजी में सिर्फ ये था कि आपको पैथोजेनेसिस पे ज्यादा ध्यान देना होता था, आपको पता होना चाहिए था कि उसका ग्रॉस अपेयरेंस कैसे है अंदर से कॉलन का और उसका माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस कहते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ज्यादा देना है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आपका डायग्नोसिस कैसे बनेगा, एंड आफ्टर डायग्नोसिस आपका मतलब जाहिर उसके क्लिनिकल फीचर्स बताओगे तो आप डायग्नोसिस बनाएंगे, थोड़ी बहुत आपको बताओ कि डिजीज है क्या, एंड देन उसके बाद मैनेजमेंट प्लान कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है, कितनी सिवियर डिजीज होगी तो आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सारी चीजें अब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दिस इज अ डिजीज ऑफ योर कोलाइटिस से पता चल रहा है कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द कॉलन है, और अल्सरेटिव का मतलब है कि अल्सर्स भी बनते हैं, तो ये बेसिकली आपके कॉलन की मेनली कॉलन इसलिए कहते हैं कि आपका इसमें ज्यादातर कॉलन का ही कॉलन और रेक्टम ही इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज ऑफ योर कॉलन जिसमें होता यह है कि आपका अल्सर्स एंड इन्फ्लेमेशन साइड बाय साइड चल रही होती है। ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है वो अल्सर्स बना रहा होता है वहां पे। तो ये आपकी जो डिजीज है इसमें आपको याद होगा कि इसके क्रोन्स डिजीज और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि इसमें एक कंटिन्यूस फैशन में पूरा कॉलन इन्वॉल्व होता है और जो क्रोन्स डिजीज है उसमें स्किप लीजन्स होती है। ठीक है, यानी पोर्शन छोड़ छोड़ के इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो आपकी अगर मैं पूरा बनाऊ ना यहां से लेकर ये सीकम है, सॉरी ठीक है, यहां पर सीकम, ये ट्रांसफर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड एंड रेक्टम और वगैरह। ठीक है, तो आपके पास ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सबसे ज्यादा स्टार्ट होती है रेक्टम से, मतलब इसका ना रेक्टम को ही, ये तो सिग्मोइड कॉलन आ गया ना, ये रेक्टम से स्टार्ट होती है। ठीक है, मेनली और आपके अगर रेक्टम तक ही रहेगी तो इसको हम प्रोक्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर एक्सटेंड करती है सिग्मोइड कॉलन तक, यहां तक इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर ये यहां तक इन्वॉल्व कर देगी तो इसको फिर हम और ऊपर तक कॉलन तक चली जाती है, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हेमी कोलाइटिस। ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट साइड का कॉलन इन्वॉल्व है, और उसके अगर ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर से, यानी ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर होता है ना आपका कॉलन का जहां स्प्लीन बड़ी होती है, इससे आगे चली जाती है और आपका मिड ट्रांसफर्स कॉलन को क्रॉस कर देती है तो फिर हम कहते हैं कि पैन कोलाइटिस हो गया, यानी पूरा का पूरा कॉलन ही हमारा इन्वॉल्व हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इसके डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जब भी ये कॉलन को इन्वॉल्व करेगी तो ये कंटिन्यूस फैशन में करेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इतना सा पोर्शन इन्वॉल्व करे फिर इतना सा छोड़ दे फिर इतना कर दे फिर ये छोड़ दे फिर ये कर दे, ऐसा नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमेशा कंटिन्यूस फैशन में चलती है, डिस्टल मोस्ट पोर्शन से शुरू होती है रेक्टम से और ऊपर जाती जाती है। ठीक है, ये आपकी डिजीज है। तो आपकी अल्सरो इन्फ्लेमेटिव डिजीज ऑफ योर कॉलन है जिसमें अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद है अल्सरेटिव कोलाइटिस में पड़ी थी कि ये जितनी भी सिवेयर हो ये आपकी रहती जो आपकी जीआईटी की म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर्स हैं उन तक की है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी क्रोहन्स डिजीज है उसमें हमने पढ़ा था कि वो एक्सटेंड करती है आगे तक, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इट सेल्फ ये कभी भी म्यूकोजा सब म्यूकोजा से आगे लेयर में नहीं जाती, यानी मस्कुलरिस लेयर में नहीं जाती और ना ही सिरोजा में जाती है। हाँ, इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वो लेयर्स भी परफोरेट हो जाए और परफोरेशन हो जाए, लेकिन उसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अपना फीचर कभी भी नहीं है कि वो किसी और चीज को इन्वॉल्व करे। ठीक है, ये इसकी कार्डिनल फीचर्स में से है। उसके बाद अगर हमारे पास ये सीकम तक आती है, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि पीछे आइलियम इन्वॉल्व हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर आपके पास इलियोसीकल जंक्शन इनकॉम्पिटेंट है तो पीछे से आइलियम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी कॉज कोई ऐसी डेफिनेट कॉज नहीं है। सबसे ज्यादा जो हमें ये पता चले कि कोई ऑटो इम्यून इसका ऑरिजिन है और जेनेटिक कॉज उसमें जेनेटिक चीज शामिल है, क्योंकि देखा गया कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली में ये एग्जिस्ट करती है, अगर एक मेंबर ऑफ फैमिली को दी दूसरे में बहुत ज्यादा देखी गई है और ऑटो इम्यून इसका ऑरिजिन है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो आपकी एज मिडिल एज है उसमें कॉमन है, बहुत ओल्ड एज में भी है, बहुत यंग में भी नहीं है, 20 से 40 के लोग ज्यादातर इसमें आते हैं, वेस्टर्न लोगों में ज्यादा है, हमारे यहाँ ये इतनी कॉमन नहीं है। और उसके साथ साथ स्मोकिंग का किसी हद तक प्रोटेक्टिव रोल है, बल्कि इसकी ट्रीटमेंट में भी हमारे पास निकोटीन शामिल होती है। ठीक है, इसकी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड, ये तो नहीं मैं कह रही कि कोई डेफिनेट रीजन है जो अभी आपके लेवल पे जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं याद रखना कि इसके ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स में निकोटीन को हम थोड़ा बहुत रखते हैं लेटर स्टेजेस पे, लेकिन रखते जरूर है। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी आपको जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने पहले भी पता है कि स्टार्ट होगी कॉलन से, किस तरह ग्रॉसली बात करें तो ये आपके पास जब स्टार्ट होती है आपके सॉरी रेक्टम से स्टार्ट होती है और रेक्टम में ये म्यूकोजा सब म्यूकोजा में अल्सर्स बनते जाते हैं। वो अल्सर्स डीप अल्सर्स नहीं होते, सुपरफिशियल अल्सर्स होते हैं, ब्रॉड बेस्ड होते हैं, मतलब अगर ये मेरी सारी की सारी वॉल है तो इसमें जब अल्सर बनेगा तो वो यू करके बनेगा, ब्रॉड बेस्ड और सुपरफिशियल अल्सर होगा, और अल्सर के बीच में अगर थोड़ा सा भी म्यूकोजा नॉर्मल होगा तो वैसे नॉर्मल म्यूकोजा आएगा, फिर आपके पास एक अल्सर आएगा, फिर नॉर्मल म्यूकोजा, तो इस तरह से कुछ अपेयरेंस आ जाती है कि जैसे आपके पास कोबल स्टोन्स, वो जो आपने देखे फुटपाथ बने हुए होती है जो पत्थरों की
फुटपाथ होती है जो ज्यादातर आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में है, हमारे पाकिस्तान में तो इतने नहीं है, पत्थरों वाले फुटपाथ जो होते हैं गोल गोल पत्थर, वो जो कॉमन स्टोन अपीयरेंस है ना आपको वो नजर आती है, टिपिकल सी बड़ी अपीयरेंस होती है जब आप कोलोनोस्कोपी करते हैं तो आपको कोलोनोस्कोपी में ना इस तरह के कॉबल स्टोन नजर आते हैं म्यूकोसा के, वो क्या होते हैं बेसिकली उनको हम सूडो पॉलिप्स कहते हैं। ये आपसे वाइवा में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सूडो पॉलिप क्या चीज होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली आपका असल पॉलिप तो ये ना कि आपका एक ये वॉल है और वॉल पे से एक ऐसे आउटपाउसिंग बनेगी तो ये ट्रू पॉलिप है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये हो रहा है कि ये वॉल है और वॉल में अल्सर बन रहा है, एक अल्सर इधर बन गया ठीक है, फिर अल्सर जो है वो इधर बन गया, फिर अल्सर जो है वो इधर बन गया। ये जब अल्सर बनता है तो बेसिकली अल्सर के बीच में जो नॉर्मल म्यूकोजा है ये वाला नॉर्मल म्यूकोजा ये ऐसे अपीयर हो रहा होता है जैसे ये पॉलिप है, हालांकि ये पॉलिप नहीं होता, ये नॉर्मल म्यूकोजा होता है और उसके साथ अल्सर होता है, तो इसलिए इसको हम सूडो पॉलिप कहते हैं, दिस इज नॉट अ ट्रू पॉलिप। तो ये आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का बड़ा टिपिकल सा फीचर, ये भी आपने याद रखना है कि ब्रॉड बेस्ड सुपरफिशियल अल्सर है, सूडो पॉलिपोसिस अपीयरेंस है, और ये जो हमारे पास दरमियान में अल्सर्स बनते हैं इनके अंदर अगर आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कॉलन में है ना, कॉलन में आपका फीकल मैटर नहीं आना होता है, फीसेस में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल कंटेंट होता है, वो जो आपके बैक्टीरिया लेडन फीसेस होते हैं वो भी अक्सर बात यहाँ पर आके फंसने लग जाते हैं, और जब वो यहाँ पर आके फंसते हैं तो इस जगह पर इन्फेक्शियस स्टेट आ जाते हैं, इस जगह एब्सेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्ट एब्सेसिस। क्रिप्ट क्यों? क्योंकि ये आपका अल्सर था, ये क्रिप्ट बन गई थी जिसके अंदर आकर एक एब्सेस बनने लगी है। क्यों बनी? क्योंकि या तो बैक्टीरिया बाहर से आया था, या जाहिर फीसेस भी बैक्टीरिया लेडन होती है आपकी, उनने यहाँ पर एक एब्सेस बना दिया बैक्टीरिया ने, उसको क्रिप्ट एब्सेस कहते हैं। तो क्रिप्ट एब्सेसेस आर वेरी कॉमन हेयर, ठीक है। तो मैं आपको जो फीचर्स बता रही हूँ आपने लिखने हैं जब आपसे कोई पैथोजेनेसिस पूछता है कि सूडो पॉलिप्स है, क्रिप्ट एब्सेसेस है, कॉमन स्टोन अपीयरेंस है, और रेड वेल्वेटी म्यूकोसा, वेल्वेटी इसी वजह से होते थे क्योंकि सारा सूडो पॉलिप्स हो जाते हैं और सारा अल्सरेशन और एडिमेटस और एरिथमा हुआ होता है, इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एरिथमा हो जाता है उस जगह का। अच्छा, उसके बाद ये सारी पुरानी बातें आपकी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि आपके पास, आपको पता है कि इसके नीचे आपका एक तो दो प्लेक्सेस पड़े हुए हैं ना हमारे पास जीआईटी की वॉल में, एक माइंटेरिक प्लेक्सेस है और एक मीजनरस प्लेक्सेस है। एक प्लेक्सेस वो है जो आपका सब म्यूकोजा में पड़ा होता है, ठीक है, मेरे ख्याल माइंटेरिक प्लेक्सेस है, और दूसरा है आपका मीजनरस जो आपका मस्कुलरिस लेयर में होता है। हमारे पास इन दोनों प्लेक्सेस, ये नर्व प्लेक्सेस जो है आपके, इनका नॉर्मल तरीके से काम करना बहुत जरूरी है जीआईटी की मूवमेंट के लिए, जीआईटी की सिक्रीशंस के लिए। अगर इनमें से कोई भी प्लेक्सेस आपका एबनॉर्मल हो जाते हैं तो बाहर के जो नर्व्स हैं, जो आपकी जो एक्स एल्स देन जीआईटी, जो आपकी बॉडी की नॉर्मल नर्व्स हैं, वो अगर ठीक काम कर भी नहीं है, जीआईटी के ये प्लेक्सेस सब म्यूकोसल और मीजनरस प्लेक्सेस जो खराब हो गए, तो आपकी बॉडी में जीआईटी का काम जो है वो नहीं हो सकेगा और वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों नर्व्स का बाहर की नर्व्स से नॉर्मल कम्युनिकेशन जरूरी है। अब यहां पर आप खुद देखें अल्सर्स बन रहे हैं और अल्सर्स में आपकी जो सब म्यूकोसा है वो भी इन्वॉल्व हो रही है, तो जाहिर है सब म्यूकोसल प्लेक्सेस जो है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा, जो सब म्यूकोसा में नर्व प्लेक्सेस वो खराब होगा, और उसके बाद आपके पास जो नीचे मस्कुलरिस लेयर है, जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेमेटरी मटीरियल सारा वहां भी पड़ा हुआ है, आपके पास लेमिना प्रोप्रिया भरा हुआ होता है इन्फ्लेमेटरी सेल से, मस्कुलरिस लेयर भरी हुई होती है इन्फ्लेमेटरी सेल से, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां की भी जो प्लेक्सेस है मीजनरस प्लेक्सेस उसको भी खराब कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये जो न्यूरोमस्कुलर बंडल है जहां पर ये जो आपके ये जाहिर सी बात है ये जो आपके मसल्स यहां पड़े हुए हैं मस्कुलरिस लेयर में, इनका यहां पर पड़े हुए नर्व प्लेक्सेस के साथ कनेक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल गट की मोटिलिटी है वो मेंटेन्ड होती है। जब यहां का प्लेक्सेस डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, क्यों डिस्टर्ब्ड होगा? अल्सर्स हैं, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, तो यहां पर जो मसल्स और नर्व का जंक्शन बना हुआ है जिसकी वजह से आपकी गट की मोटिलिटी मेंटेन्ड है वो खराब हो जाएगा। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब होगा तो गट में मोटिलिटी नहीं रहेगी। अब मेरे पास जिस जगह पे कॉलन में, सपोज मेरे पास कॉलन में, इसको मैं इस तरह बना लेती हूँ, इस जगह पे ये वाला पोर्शन है जितने में अभी खराबी हुई है, और इस पोर्शन का न्यूरोवैस्कुलर बंडल खराब हो गया, तो डेफिनेट सी बात है कि अब इस पोर्शन में मेरी कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी, मेरा सारा फीकल मैटर पीछे से आ रहा है, मतलब जो भी खाना वाना मैं खा रही हूँ यहाँ पर आके फीसेस बन गए, और फीसेस बन गए जब वो इस पोर्शन में आया तो ये पोर्शन तो आगे से इसको प्रमोट ही नहीं कर रहा, आगे मोटिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ का न्यूरोवैस्कुलर बंडल खराब हो गया, न्यूरोमस्कुलर बंडल यहाँ का खराब होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारा फीकल मैटर इसमें कलेक्ट होता जाता है और ये डायलेट करता जाता है, इतना ज्यादा डायलेट कर जाता है कि पेशेंट को एक तो सिवियर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आने लग जाते हैं कि उसको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, उसको एब्डोमिनल पेन है बहुत ज्यादा, एब्डोमिनल डिस्टेंड हो गया, उसको वॉमिटिंग शुरू हुई है, और उसके साथ जब हम एक्सरे करते हैं तो इतना बड़ा मेगा कॉलन नजर आता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगा कॉलन, ठीक है। तो ये आपका मेगा कॉलन का फीचर होना अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत टिपिकल है, मोर देन 6 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो फिर इसका मतलब होता है कि वो टॉक्सिक मेगा कॉलन है, और उसके फिर हमें सर्जरी करनी करके उसे ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका बड़ा टिपिकल सा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये सारी इसकी पैथोलॉजी से रिलेटेड बातें होंगी। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपका कॉलन में ये कितनी डिजीज इन्वॉल्व है। अगर सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व है और प्रोक्टाइटिस है पेशेंट को,
तो उस वक्त हो सकता है कि आपको जाहिर सी बात है हाली रेक्टम इन्वॉल्व होगा, तो आपका पहली बात तो है कि अल्सर्स है तो ब्लडी डायरिया तो होगा ही होगा, ठीक है, हाइपर डायनेमिक मूवमेंट्स हुई भी होती है। जब तक आपका ये न्यूरो मस्कुलर बंडल पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक मूवमेंट्स हाइपर डायनेमिक होती है, यानी जरूरत से ज्यादा मोबिलिटी होती है। क्यों होती है जरूरत से ज्यादा? क्योंकि न्यूरो मस्कुलर बंडल इरिटेट हुआ हुआ होता है, और जब ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर आपकी सारी मोटिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में सबसे रेक्टम इन्वॉल्व है और अभी आपकी टॉक्सिक मेगाकोलन वाली स्टेट नहीं है, तो हाइपर डायनेमिक मूवमेंट्स की वजह से पेशेंट को डायरिया होगा। डायरिया में ब्लड आना बहुत कॉमन है क्योंकि आपका ये अल्सर्स के साथ एसोसिएटेड, तो ब्लडी डायरिया जो कि बहुत ज्यादा ही उसमें होते हैं, आपके काफी उसके पैसेजेस होते हैं, मतलब काफी दफा आ जाते हैं दिन को, दिन में 5-6 दफा कम से कम आ जाता होता है, और उसके साथ पेशेंट को वही एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, और हो सकता है उसका एब्डोमिन टेंडर भी हो सकता है उसके साथ फीवर भी हो। तो आपके पास जो एक टिपिकल सा सिनेरियो आता होता है ना इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह का, वो यही होता है ज्यादातर कि आपके पास पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद कंप्लेन्स ऑफ ब्लडी डायरिया फॉर 1 मंथ एंड या फिर एपिसोड ऑफ इंटरमिटेंट ब्लडी डायरिया फॉर लास्ट 1 मंथ, टेंडरनेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, या फिर कहेंगे कि लेफ्ट लंबर रीजन में आपको टेंडरनेस है। उसके साथ वो कहते हैं पेन इन एब्डोमेन है, वेट लॉस एंड एनीमिया है। अब वेट लॉस और एनीमिया अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होती है, और पेशेंट की एज 30 से लेकर 50 ईयर्स के दरमियान होती है, ठीक है, ज्यादा ओल्ड एज पेशेंट नहीं होता, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। तो इसमें आपके पास ना बड़ा टिपिकल सा सिनेरियो अल्सरेटिव कोलाइटिस के समझ जाते हैं कि देखें ब्लडी डायरिया के जो इंटरमीडिएट एपिसोड्स हैं वो आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड है। ये इस तरह होता है कि 1 महीना होगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर खुद ही हो जाएगा दोबारा से शुरू, क्योंकि ऑटो इम्यून है ना, जब चाहे डिजीज एक्टिव हो जाती है, और उसमें जब भी होगा तो आपके एपिसोड जब ब्लडी डायरिया होती है स्ट्रिंगी म्यूकॉइड डायरिया आता है, जिसको करेक्टरिस्टिक लव्स है इसका, वो स्ट्रिंगी म्यूकॉइड डायरिया है। उसके साथ पेशेंट को बार बार ब्लडी डायरिया और ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है, तो एनीमिक होता है पेशेंट। एनीमिया होने के साथ तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका ना तो न्यूट्रिशनल सप्लाई ठीक रहती है, कि उसको सही भूख नहीं लगती, क्योंकि बार बार उसे डायरिया रह रहे, थोड़ा बहुत उसका खाने का दिल नहीं कर रहा, कभी उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही, नोजिया सा हो रहा है, तो उसको वो वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं, एनोरेक्सिया सा हो रहा होता है पेशेंट को, ठीक है, और उसके साथ फिर पेशेंट को फीवर हो जाता है जब उसकी डिजीज एक्टिव होती है, क्योंकि कोई ना कोई हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ वो सुपरसीडेड। तो ये पेशेंट के बड़े टिपिकल से फीचर्स होते हैं, और अगर आपका ज्यादा सिवियर है और पूरा का पूरी लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है, तो फिर हो सकता है पेशेंट को फीचर्स ज्यादा है, ज्यादा क्या आ सकते हैं, ज्यादा ब्लडी डायरिया है, मोर देन 6 एपिसोड्स पर डे है, और साथ उसके टेनिसमस भी है, पेट में गैस भी हो गया, एब्डोमिनल पेन सिवियर है, साथ उसको एनीमिया है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, एल्ब्यूमिन लेवल लो हो जाता है। और उसकी तो 4 रीजंस है, पहली रीजन ये है कि हमारी बॉडी जो है वो ब्लड लॉस कर रही है काफी ज्यादा, और वो दोबारा आ नहीं रहा, तो जाहिर है हम उसको ट्रांसफ्यूजन तो नहीं दे रहे ना पेशेंट को, तो जाहिर ब्लड लॉस हो रहा है तो एल्ब्यूमिन भी लॉस हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन का लेवल लो हो गया। दूसरी बात है कि आपकी गट इन्वॉल्व है, तो गट ने चीजें एब्जॉर्ब करनी होती है, गट एल्ब्यूमिन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का लेवल लो हो गया। फिर आपके पास ये हो रहा है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ओवरऑल खराब हो रहा है, क्योंकि एक डिजीज प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से एल्ब्यूमिन लो हो रहा है। फिर आपके पास जाहिर है मैंने जिस तरह बताया आपको कि एनीमिया है पेशेंट को, वो बॉडी फ्लूइड नॉर्मल नहीं है, बॉडी का वॉल्यूम नॉर्मल नहीं है, तो भी एल्ब्यूमिन कम है, तो ये आपके एल्ब्यूमिनीमिया की रीजन होती है, जिसकी वजह से मजीद एडिमा हो रहा होता है बॉडी में, क्योंकि एल्ब्यूमिन ने वॉल्यूम मेंटेन रखना होता है वेसल्स का, जो कि मेंटेन नहीं रह रहा होता, तो ये पेशेंट के फीचर्स होते हैं। तो आपने बड़ा ही सिनेरियो याद रखना जो मैंने बताया, ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस का आता होता है, ठीक हो गया जी। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, टैकीकार्डिया है, वेट लॉस है पेशेंट को, फीवर है, जब ये फीचर्स होते हैं ना, फीवर, हार्ट रेट का तेज हो जाना, वेट लॉस का होना, एनीमिया का होना, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, इनको कहते हैं साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर सिर्फ पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ, एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ और ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं कि अभी पेशेंट को बेशक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लेकिन टॉक्सिसिटी का कोई साइन नहीं है। जब साथ उसे फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाए और एनीमिया हो जाए, तो ये टॉक्सिसिटी के साइन, यानी सिस्टेमिक फीचर्स भी आ रहे हैं, तो मतलब ये डिजीज सिवियर है। और इसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि माइल्ड डिजीज वो है जिसमें आपके 4 से कम स्टूल्स आए एक दिन में, और पेशेंट को कोई साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी ना हो, सिर्फ स्टूल्स एंड ब्लडी डायरिया है, ठीक है। मॉडरेट डिजीज वाइज जिसमें आपके 4 to 6 stools एक दिन में आए ब्लडी डायरिया के, और थोड़ा बहुत साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी हो, यानी हल्का फीवर है और बहुत हुआ तो साथ थोड़ा बहुत एनीमिया है। सिवियर वाइज जिसमें आपके 6 से ज्यादा एपिसोड्स आ रहे हैं एक दिन में ब्लडी डायरिया के, बहुत ज्यादा साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी है, जो मैंने अभी सारे बोले हैं पहले। फल्मिनेंट वो होते हैं मोर देन 10 ब्लडी स्टूल्स पर डे, और इतना ज्यादा एनीमिया, इतना ज्यादा टेंडरनेस है एब्डोमेन में, इतना पेन है, और इतना पेशेंट एनीमिक है कि हमें उसको ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है ब्लड की, ठीक है। और एक तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो इस हिसाब से भी होती है कि सिर्फ ये वाला इन पोर्शन इन्वॉल्व है जो रेक्टम है तो प्रोक्टाइटिस कहते हैं, अगर आपका सिर्फ लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है तो उसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, जिस तरह मैंने आपको बताया था, और जब आपका सारा इन्वॉल्व हो जाता है खासतौर पर मिड से आगे चला जाता है तो उसको पैन कोलाइटिस कहते हैं, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। और जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक्यूट डिजीज में क्या होगा,
बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बता भी दिया, मैं तो रिपीट भी कर देती हूँ, आप खुद को मैंने भी आपको बताया कि आपके पास अगर न्यूरोमस्कुलर बंडल डिस्टर्ब हो जाता है किसी जगह का, बिल्कुल खत्म हो जाता है, शुरू में वो इरिटेट होगा तो ब्लडी डायरिया आएगा, हाइपर मोबिलिटी होगी, और जब वो खत्म हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो पोर्शन बिल्कुल मोबाइल नहीं होगा और वो डायलेट करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, टॉक्सिक मेगाकोलन। तो आपका सबसे पहला जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो टॉक्सिक डायलेटेशन ऑफ द कोलन होती है, जिसमें आपको एक्सरे पे नजर आ जाता है कि इतना बड़ा लूप ऑफ बावल पड़ा हुआ है, जो कि जिसके अंदर जाहिर सी बात है कि आपको लार्ज गट नजर आती है ना जब एक्सरे पे, तो उसमें इतनी बड़ी डायलेटेड लार्ज गट नजर आती है जिसमें होस्ट्रेशंस बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। होस्ट्रेशंस वो जो आपकी सारी लार्ज गट पे ऐसे ऐसे करके जो निशान होते हैं ना, उनको होस्ट्रेशंस कहते हैं, वो इस डायलेटेड पोर्शन पे बिल्कुल खत्म होगी होती है, ठीक है, तो आपको एक्सरे पे नजर आ जाती है। उसके बाद आपकी जो अगली कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये डायलेशन को हमने ठीक नहीं किया तो क्या होगा, सबसे ज्यादा चांस ये है कि परफोरेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सारा फीसिस पड़ा हुआ है ना, परफोरेट करेगा तो आपका पेरिटोनाइटिस के फीचर्स आएंगे। पेरिटोनाइटिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि पेशेंट को फीवर, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया यानी कि ब्रेथ, रेस्पिरेटरी रेट तेज, हार्ट रेट तेज, फीवर है, और उसके साथ शदीद होल एब्डोमेन टेंडर विद गार्डिंग एंड रिजिडिटी होती है कि आपका एब्डोमेन सारा टेंडर हो जाता है और उसके ऊपर से सारे मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, तो आपके पेरिटोनाइटिस के फीचर्स आ जाते हैं पेशेंट के, जो परफोरेट कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि टॉक्सिक मेगाकोलन ही परफोरेट करे, परफोरेशन वैसे भी हो सकती है अगर डिजीज ज्यादा क्रॉनिक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हेमरेज भी एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इतना ज्यादा खून कभी भी नहीं निकलना कि पेशेंट जो है मर जाए। अच्छा, अब हमारी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या चीज हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इज कैंसर, याद रखना है। हम हमेशा ये कहते हैं कि पेशेंट का अगर ये डिजीज पे हमें सर्जरी करनी पड़ रही है तो हम सर्जरी में कोशिश करते हैं कि हमारा अगर इतना सा पोर्शन यानी रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन इन्वॉल्व है तो हम ज्यादा पीछे तक निकाल देते हैं कॉलन को, और कभी एक बार हम पैन कोलेक्टमी कर देते हैं, हम सारा कॉलन रिमूव करते हैं जब हम सर्जरी करते हैं ना, बेशक डिजीज लेफ्ट साइड पे है, हम पूरा कॉलन रिमूव करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि दिस इज अ प्री मलिग्नेंट कंडीशन, दिस कैन लीड टू कैंसर, एंड जितना टाइम ज्यादा होता जाता है उतना कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है, तो हम डिजीज के खत्म करने के लिए सारा का सारा कॉलन ही निकाल देते हैं। तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में जो बच्चे भूल जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैंसर, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो जिस बंदे में ये डिजीज है उसके अलावा इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे में मजीद ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं, आपके पास उस बंदे में आर्थराइटिस वगैरह हो सकता है जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस बंदे को सैक्रोइलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और आंखों में आयराइटिस है, एरिथेमानोडोसम है, मतलब बाकी जो आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ऐसी जो ऑटो इम्यून है वो होने का खतरा ज्यादा होता है। बाकी बातें अगले पार्ट में कहते हैं, किसी कोई मसला नहीं, के नास्मी, थैंक यू।